आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 4 फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव के लिए चल रहा नामांकन 11 फरवरी को सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व मजिस्ट्रेट की लगाई गई थी ड्यूटी। विधानसभा चुनाव के लिए जिले के 9 विधानसभा में शुक्रवार को 42 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। अभी तक कुल 169 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के सभी नागरिकों से किया अपील। कहा, 3 मार्च को होने वाले मतदान में घर से निकलकर जरूर करें मतदान, राष्ट्र को बनाए मजबूत। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों सहित निर्दल प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अंतिम दिन किया नामांकन। कहा, जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही होगा पहली प्राथमिकता। निर्वाचन आयोग के द्वारा 9 विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे प्रेक्षक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने अपने नामांकन स्थल का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण गोरखपुर विश्वविद्यालय में सकुशल हुआ संपन्न। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, माइक्रो ऑब्जर्वर बूथों की करेंगे निगरानी, चुनाव आयोग को प्रेषित करेंगे रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ पुष्पार्चन कार्यक्रम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के विचारों की पोषक है नई शिक्षा नीति 2020। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के सदर ग्रामीण चौरी चौरा बांसगांव विधानसभा के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन किया नामांकन। कहा, जनपद को गड्ढा मुक्त सहित जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही होगा पहली प्राथमिकता। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं छपरा बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पत्रक देकर भेड़ियागढ़ वार्ड में किया जनसंपर्क। कहा, पश्चिम यूपी में वोटिंग के बाद दिख रहे हैं स्पष्ट परिणाम, युवाओं के लिए योगी हैं और योगी के लिए हैं युवा, यही अपने आप में ही है एक बड़ा नारा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और नगर विधायक ने किया एनसीसी के 15 यूपी बटालियन के वर्चुअल फायरिंग रेंज का उद्घाटन। कुलपति ने कहा, तकनीकी की मदद से एनसीसी कैडेट्स को निशानेबाजी में और परिपक्व बनाना है मकसद। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 323 केंद्रों पर 19,777 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,470 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 12,778 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, लगवा ले कोविड रोधी टीका, करे कोविड प्रोटोकॉल का पालन, लगाए मास्क, करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने का काम कर रही है वर्तमान की भाजपा सरकार। गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 39 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 462। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और चुनाव प्रचार के लिए गोरखपुर में आए भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने चौधरी स्वीट पर खाया चाट। लोगों से भाजपा के लिए मांगे वोट, हुए चौधरी चाट के मुरीद।